यहाँ पर डैम कर गया, आगे पानी निकास नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा जो पूर्ण यहाँ बनाई गई है, पुल तो सही है, लेकिन उसका छोटापन और ऊंचापन इतना कम है, जो ठोकर दिखा रहा है मैडम, उसको फोटो लेकर के देख सकती है। पुल के पुरवारी साइड में पानी चार हाथ नीचे है और पचियारी साइड में पानी चार हाथ ऊपर है। अभी भी देखिए उधर उधर गिर रहा है, इसलिए आप लोग हट जाइए, टीवी और कैमरा के चक्कर में थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि ये अभी भी आप देख रहे हैं पूरी दरकती हुई, आराम से आराम से आराम से दरकती हुई जगह दिखाई दे रही है, आराम से आराम से आराम से दरकती हुई जगह दिखाई दे रही है। तो रुक जाइए, आ रहे आप लोग, बताइए कहाँ पर है आप लोग का घर? उस पार में है। उस पार में है जी। क्या हुआ है घर में? पूरा पानी है, पूरा छप्पर पर, छप्पर पर बाटे पानी चल रहे है, छप्पर तक भरा हुआ। हाँ, छप्पर तक। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल। कितना बाल बच्चा? तीन है। तीन गो, तीन लड़का लड़की। आपका कितना बच्चा? चार गो। यहीं पर आप लोग का सब, आप लोग का भी घर है? अभी भी हमसे देखने आए हैं, पानी कम आया इस बार में है, बहुत मुश्किल से हमसे बच्चे। पीने का कैसे काम? कैसे, तीन चार दिन भूखे था, कुछ बचा हुआ चूर चौका सब खत्म है, कैसे बनाएगा खाएगा? वार्ड नंबर 11 है ना यहाँ पर? हाँ, वार्ड नंबर 11। आप बताइए मैडम, यहाँ से 150 किलोमीटर, अति 150 मीटर दूर पे जी, अति यहाँ पे विभागीय कमी के कारण ये बांध टूटा है, और यहाँ के ग्रामीण उसको रोकना चाहे तो विभाग के तरफ से कहा गया कि अगर आप लोग उधर से बंद कीजिएगा तो आप लोग पर FIR हो जाएगा जी, और एक भी विभाग के आदमी टूटने के बाद नहीं आया है जी। मेरा भी मकान यहीं पर है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो पानी के अंदर है। यहीं पे था आपका भी घर? पानी के अंदर, मतलब ये वाला, ये सब जो कंक्रीट वाला जी, जी, बीच नदी में जी, बिल्कुल बीच नदी में। यहाँ तक सबसे बड़ी दिक्कत, इनका बहुत अच्छा मकान बना हुआ था सर, जी हाँ, दो तल्ला था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई तल्ला घर बह गया जी, कोई पानी के लिए भी नहीं है, हम लोग नदी का पानी पी कर आ रहे हैं। 75 लाख का घर रहा होगा जी, पानी पी के, नदी का पानी पी के हम लोग लग रहे हैं, अभी तक पानी पीने का कोई सरकारी भी कोई अभी तक नहीं आया, कुछ भी नहीं है सर, प्रशासनिक लापरवाही के कारण। धूप में पन्नी अपना खरीद कर पन्नी रख के अपना रोड पर रह रहे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, अभी तक कोई एक भी पदाधिकारी नहीं आया आप कि सब मर गया या जिंदा है वहाँ की पब्लिक, कोई पूछने वाला नहीं। जो औरतें यहाँ पर थी उनसे और बात करते हैं, आप बताइए कहाँ पर है आपका घर? इसी पंचायत में, उस तरफ का है, बगल में स्कूल है। क्या बताइएगा, गांव में लोग क्या क्या झेल रहा है? यही जो बांध के अंदर में हम बतावेंगे, हम भी नदी किनारे पर है, हमारा जो है घर, हम गांव के एकदम लास्ट में, हमने ही दूरा कर 1 किलोमीटर यहाँ बांध बनाया हुआ है। अब उधर एक घर भी ऐसा नहीं है जिस पर इसके घर में भोजन भी हो, पानी तो इधर डैम्प हुआ है, नहीं है जाए, सारा कुछ दह गया, जो घर बचा भी है ना वो फटफट कर गिर रहा है, जैसे जैसे पानी का दबाव कम रहा है, मवेशी के सर छत का घर है लेकिन सब गिर रहा है, सब रहने का कोई बात, मिट्टी इतना उसमें घर के नीचे पानी जाए तो अभी भी अति है धार, माल जाल भी रहने का भी खोखला हो गया, पूरी घर के नीचे से पूरे खोखला हो चुका है, दस रहा उसको बाद दीवार फट रहा है, समझे ना, वो रहने के लिए कोई पाया ना, पहनने के लिए कपड़ा है और ना खाने के लिए अति है, व्यवस्था है ना सरकार की तरफ से, अभी तक कोई व्यवस्था है, अभी तक इतना दिन हो गया, हजन सब सब एक घर हो गया है, एक दूसरे के छत पर जाकर के लोग बास किया है, जब बांध टूटा है उसके कल होकर के रात में अभी तक ना देखने आया ना हाथ मगर पूछने, माल को भी रहने के लिए कोई उपाय नहीं। क्या हुआ है पानी पानी बांध के ऊपर रह रहे हैं जी, तो घर में क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? बहुत चीज का दिक्कत है, खाना पीना कुछ चूल्ही उली कुछ दिखता नहीं, दिखाएंगे पियेंगे हम लोग क्या, कौन है घर में? नानिया, मामिया, तू के बाबू है, नाना है, मौसी है, दिक्कत हो रही है। कितने दिन से? चार दिन हो गए, बाम बाम लोग रहते हैं। घर किस तरफ था आपका? उधर इधर ही पट्टी था।
मम्मी पापा भी? मम्मी पापा अपना मम्मी पापा अपने गांव में हैं, हम यहाँ पर नानियाँ रहते हैं। नानी के घर में रहती है, बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना पीने का नहीं मिलता। यस, स्कूल वूल सब बंद हो गया होगा, क्या दिक्कत हो रहा है मन में बोलो, तुम्हारा आँख एकदम आंसू से भरा हुआ है, क्या मन में आप बताओ क्या क्या दिक्कत हो रही है? तो मैं 2024-25 में है तो पढ़ने निकले की तो बहुत दिक्कत ना हो रहा है, अभी जब किताब उताब जब दह गया तो क्या चीज से पढ़ेंगे। जी मैडम, मैडम बोलो बोलो, आप बोलिए, आप क्या सारा चीज की दिक्कत है, सारा चीज की दिक्कत, सब दह गया तब क्या चीज खाना खाए, चार दिन से बैठे बांध पर क्या खाना खाए, कुछ न बचल है। सब देख के जा हुआ देखू कथी है, नही खाए के लेल पहने के लेल कुछ है, कथी पहन कुछ न बचल हमर सके, एगो घर ऐसा चीज न बचल पेन हम ओढ़ इतना एगो बच्चा लेके बैठल बांध पर कुछ न, सब माल जाल सब भूखा है, इतने लोग है घर में, हम आठ आदमी आए दियादिन, हम आठ आदमी है, छोटा बच्चा भी, हाँ छोट छोट बच्चा है, भर दिन ऐसा ही भिजले दे रख सूख गल दे पर कपड़ा कपड़ा भी ना ऐसा ही रह, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी रिश्ता रह गया, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी रिश्ता रह गया, पूरा 12 घंटे का समय मिला, 12-14 घंटे का समय मिला, लेकिन एक बार भी कोई पदाधिकारी बागमती परियोजना का या कहीं का नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया, के द्वारा इनको धमकाया गया। मैडम जी, जब पानी बह रहा था तो हम आए थे यहाँ पे, हम कहे जे इससे नहीं होगा, इसको अति साफ करो और इसको बांधेंगे, हम लोग ग्रामीण मिलके 20 आदमी आए हुए थे, हम 20 लड़का मिलके आए हुए थे जे इसको बांधेंगे, तो पदाधिकारी लोग जो यहाँ थे, सचिव मुखिया मतलब जो थे बांध के, हाँ ये भी थे, जे हमको कहा गया जे इसको तू छुएगा तो तुम पर FIR हो जाएगा, SDO के द्वारा कहा गया कि ग्रामीण मेहनत अगर उस तरफ से किया जाएगा तो FIR कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, और जानबूझ के सर लोकल जानता है कि रिवर साइड से कंट्री साइड से कुछ नहीं होने वाला, रिवर साइड से मेहनत करते हम लोग तो बच जाता सर। मैडम जी, ऐसा हम लोग 100 बार बांध को बचाए हुए हैं, 100 बार यहाँ के लोग, लेकिन कहना है कि जब तक हम लोग इसको बांधने नहीं देंगे, अभी जो है ऐसा ही रहेगा, नियति जो है ऊपर वाला है, कम से कम जान तो बचेगा मैडम जी, जिंदा तो रहेगा इंसान, धीरे धीरे पानी आएगा, धीरे धीरे आएगा तो हम लोग सतर्क रहेंगे, ऐसे सुतल रात में यदि हम नहीं आते तो पूरा गांव सुतले बह जाता है। 12 बजे में तहसील विभाग द्वारा किया नहीं गया कुछ, और प्रशासन द्वारा जब ग्रामीण लोग करना चाहे तो उनको रोक दिया गया, सारा बांध पर पुल बनवा दिया जाए, और बागमती परियोजना का जो भी सिस्टम है वो केंद्र द्वारा फिर से जाँच होकर और बांध को फिर से रिप्लेसमेंट किया जाए, और सारा बांध को NH का दर्जा घोषित किया जाए, बांध को NH का दर्जा घोषित किया जाए। तो लोगों की जो मांग है वो भी आप सुन रहे हैं, किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया है वो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं, और ये आप देख रहे हैं कि बांस का लोग नहीं, ऊपर नहीं बैठना है बाबा, ऊपर नहीं बैठना, आपके साथ बैठेंगे, तो क्या क्या हो रहा है, आपका घर किधर था, पानी यहाँ घर बना रहे हैं आप लोग, पल्ली बना रहा है, घर तो उधर है सर, पानी में है, इतना पानी है घर में, खाने ऑन पानी रात से सारा दह गया, खाने के लिए तो है ना कुछ नहीं, इसीलिए सड़क पे ही सब लोग रह रहे हैं ना, पड़ा रहा है यही के लिए, यही के लिए लोग सड़क पर रह रहा है ना, कपड़ा लता है, सारा ऑन पानी सबके मकान घर सबके दह गया सर, निकले